अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। एंड इन दिस वीडियो वी विल सी अवर चैप्टर नंबर 6, उबुंटू लिनक्स ना मूलभूत कमांड, जो हमारा चल रहा था अभी। ओके, तो उसका प्रैक्टिकल हमारा चल रहा है। अभी तक हमने बहुत कुछ, काफ़ी कुछ देख लिए प्रैक्टिकल में। तो स्टार्ट किए थे कि हमने उबुंटू लिनक्स के जो हमारे कमांड्स थे वो हम लोग विंडोज में करेंगे मोबा एक्सटर्म सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, तो स्टार्टिंग किया हमने बेसिक, जो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, उस पर क्या शो होता है, उस पर क्या स्टार्टिंग करेंगे। जैसे आप तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको करंट डेट दिखाएगा सिस्टम की, उसके बाद करंट टाइम। ओके, जब आपने स्टार्ट किया होगा टर्मिनल तो वो करंट टाइम उस वक्त जो होगा वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप जिस डिरेक्टरी में, जिस फोल्डर के अंदर अभी काम कर रहे हो, जैसे कि अभी हम लोग है होम फोल्डर के अंदर, उसके अंदर एक और फोल्डर है मोबाइल एक्सटर्म, और उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मतलब जो भी फाइल हम लोग, जो भी नए फोल्डर हम लोग बनाएंगे अभी, तो वो होम के अंदर मोबाइल एक्सटर्म के फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएगी। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि आपको स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट आउट करवाना है, तो उसके लिए हमने इको कमांड का यूज़ किए थे। उसके बाद नई फाइल आपको क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कैट कमांड। ओके, अब कैट में हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक तो नई फाइल आपको बनानी है कैट, तो कैट कमांड का सीधा आप यूज़ करके ग्रेटर देन की साइन का आप यूज़ करेंगे, उसके बाद फाइल का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं F1 क्रिएट करता हूँ अभी। ओके, और F1 पे जब मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, वो F1 नाम की नई फाइल एक बन जाएगी आपकी। ओके, अभी आप लोग क्या है फाइल के अंदर, जैसे कर्सर अभी क्या है नीचे आ गया, आप देख सकते हो। ओके, अब कर्सर नीचे आया, इसका मतलब कि अभी हम लोग फाइल के अंदर आ गए, F1 फाइल के अंदर। अब हम जो भी टाइप करेंगे यहाँ पे वो क्या होगा, F1 फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ I am लर्निंग उबुंटू लिनक्स। ओके, अब मैंने एक लाइन इतनी लिख दी, आपको जितनी लाइन लिखनी आप लिख सकते हो इसमें। ओके, अब मुझे क्या करना है, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है। मतलब जो कंटेंट हमने टाइप किया है उसको पहले फाइल में सेव करना पड़ेगा। ओके, अभी F1 में कुछ नहीं है, हमने ये लाइन लिखी है इसको सेव करनी है F1 में। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी जो है ना वो की दबाएंगे, एक बार कंट्रोल डी दबाएंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। और दोबारा कंट्रोल डी दबाएंगे हम लोग तो क्या होगा, वापस से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट किसको कहते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग कमांड टाइप करते हैं, जैसा जहाँ पे ऐसी लाइन हमको दिखेगी ना उसको हम बोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, आप फाइल के अंदर हो तो वन टाइम आप कंट्रोल डी दबाओगे तो फाइल में जो आपने चेंजेस किए वो फाइल में सेव हो जाएगा, और दोबारा से आप कंट्रोल डी दबाओगे तो क्या होगा, वो फाइल फाइल मतलब फाइल से आप बाहर आके कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर वापस से आप आ जाओगे। ओके, अब ये थी हमारी एक फाइल केट ग्रेटर देन F1, इसे हमने कमांड दे के फाइल को टाइप किए थे। ओके, अब क्या करना है हमको, अब इसी फाइल में कुछ और ऐड करना है आपको। ओके, आपने एक लाइन लिखे थे आई एम लर्निंग उबुंटू लिनक्स। ओके, अब आपको नीचे एक और लाइन लिखनी है, तो आप क्या करोगे, कैट कमांड का ही दोबारा से यूज करना है, बट दिस टाइम आपको क्या करना है, ग्रेटर देन जो है वो टू टाइम्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप पहले से बनाई हुई फाइल के अंदर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे दो बार ग्रेटर देन की साइन देनी पड़ेगी। अगर आपको फाइल नहीं बनानी है, फाइल बनी नहीं है आपकी, तो आपको वन टाइम ग्रेटर देन देना है, और बनाई हुई फाइल में आपको कुछ ऐड करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो आपको दो बार यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन देनी है, उसके बाद वही फाइल का नाम जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हो। अभी हम जो भी लिखेंगे तो फाइल में नीचे ऐड होता जाएगा, दिस इज माई कंप्यूटर सब्जेक्ट। ओके, अब ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे दो लाइन हो गई है एक फाइल के अंदर, F1 नाम की फाइल के अंदर। ओके, इसको सेव करना तो कंट्रोल डी वन टाइम प्रेस किया हमने, तो क्या होगा, फाइल में जो चेंजेस किया है वो सेव होगा। फिर दोबारा से कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर वापस से आ जाएगा। ओके, जैसे हम लोग एक और फाइल बनाते हैं कैट, और अब बनाते हैं हम लोग सपोज F2। ओके ओके, ये I am studying in standard 11 कॉमर्स। ओके, इसको सेव करेंगे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी दोबारा करेंगे तो हम लोग वापस से कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाएंगे। अभी हमने दो फाइल यहाँ पे बनाई है, फाइल वन सॉरी F1 और F2। ओके, ये तो क्लियर है आपको, एक सिंगल ग्रेटर देन से क्या होगा, नई फाइल बनेगी, और पुरानी फाइल में आपको कुछ चेंजेस करना है तो आपको टू टाइम्स यहाँ पे ग्रेटर देन देना पड़ेगा। ओके, और कंट्रोल डी से आप क्या करोगे, फाइल को सेव करोगे और दोबारा कंट्रोल डी दबाओगे तो आपको क्या होगा, आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर दोबारा से वापस से आ जाओगे। ओके, अब ये हो गया हमारा, फाइल हमने क्रिएट की, अब हमको क्या करना है कि एक नई फाइल बनानी है और उस फाइल के अंदर फाइल वन का कंटेंट और सॉरी F1 का कंटेंट और F2 का कंटेंट, दोनों का कंटेंट एक साथ हो जाए और वो नई फाइल में स्टोर हो जाए।
F3 नाम की एक फाइल बनानी है हमको, जिसमें F1 की ये दो लाइंस, ओके, और F2 की ये एक लाइन, ये तीनों लाइन एक ही फाइल में F3 नाम की फाइल में सेव होनी चाहिए। ये F1 F2 ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगी, ओके। F3 जो फाइल बनेगी उसमें F1 नाम का जितना कंटेंट है F1 की फाइल का वो, और F2 की फाइल का जितना कंटेंट है वो हमको उसमें लेकर आना। तो हम क्या करेंगे, फाइल के लिए वापस से कैट कमांड का ही यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको जो नई फाइल बनानी पहले उसका नाम देना है F3, ओके, ये हम नई बनाएंगे। अब इसमें क्या लेना है हमको, तो स्पेस देने के बाद उन दोनों फाइल का नाम देना है हमको कि F1 और F2 है हमारी, तो F1, और यहाँ पे बीच में ग्रेटर देन की साइन आएगी, और यहाँ पे F2। समझ में आया हमको क्या करना है, यहाँ पे F3 नाम की एक फाइल बनानी है, ओके। F3 नाम की फाइल में क्या लेना है कंटेंट, F1 का भी कंटेंट लेना है और F2 का भी कंटेंट लेना है, ओके। ये दोनों फाइल तो ऐसी ही रहेगी, ये दोनों का जितना कंटेंट है वो F3 नाम की फाइल में सेव होना चाहिए। उसके लिए हम लोग कैट कमांड देंगे, स्पेस देने के बाद जो नई फाइल आपको बनानी है F3 उसका नाम, और स्पेस देने के बाद जो पुरानी दोनों फाइल है जैसे कि F1 और F2 है हमारी, तो F1 ग्रेटर देन F2, ओके, ये एंटर करेंगे हम लोग। सॉरी, मैं सच फाइल में डिरेक्टरी मिस्टेक हो रही है, कुछ इसमें हो सकता है, कुछ कमांड है हमारे ऐसे जो लिनक्स में काम करेंगे बट जो हमारी विंडोज में हम लोग करेंगे तो उसमें शायद नहीं आया आउटपुट, हो सकता है ऐसा। देखो वन टाइम में नहीं, सेकंड टाइम आ रहा है कुछ, नहीं नहीं हुआ, देखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि हो सकता है कि ये जो है कंटेंट हमारे जितने कमांड है ये कुछ कमांड विंडोज में काम ना भी करें। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा होता ही है। जैसे कि हमारा अभी हम एक टॉपिक आगे आएगा हमारा, जिसमें हम जो है पासवर्ड चेंज का हमारा कमांड आएगा, तो यूजर का जो पासवर्ड है उसको चेंज करना है, तो वो कमांड इसमें पॉसिबल नहीं है, ओके। क्योंकि वो उबंटू लिनक्स कमांड हम लोग विंडोज में करेंगे तो बेसिक कमांड जितने वो सब चलेंगे, बट कुछ कमांड ऐसे जो लिनक्स में ही चलेंगे खाली। तो हो सकता है कैट वाला ये कमांड भी उसमें से ही एक हो, ओके। तो इसको स्किप करेंगे अभी, स्क्रीन को क्लियर करेंगे। क्लियर कमांड देने से क्या होगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा हमारा, ओके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फाइल को डिलीट करना है आपको, अगर कि फाइल मैंने F1 F2 बनाई थी, ओके। अब उससे पहले हम लोग एक कमांड देखते, थोड़ा आगे आएंगे तो ls कमांड है आपका। तो ls कमांड क्या करेगा, ls कमांड ये करेगा आप जिस फोल्डर में अभी हो, जिस डिरेक्टरी के अंदर हो, मोबाइल एक्सटर्म के अंदर, तो उस डिरेक्टरी में जितने भी दूसरी फाइल्स और फोल्डर्स है ना उसको एक लिस्ट में डिस्प्ले करेगा, ओके। जैसे कि एल एस करके एंटर मारूंगा मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी ये डिरेक्टरी है वो सब क्या है यहाँ पे, ये मोबा एक्सटर्म के फोल्डर में है, ओके। जैसे हमने F1 अभी बनाए थे, F2 अभी बनाए थे, ओके, तो ये दो फाइल हमने अभी बनाए थे यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके अलावा पहले हमने सब्जेक्ट 1, सॉरी सब्जेक्ट सब 1, ये सब हमने क्या किए थे, फाइल यहाँ पे स्टोर किए थे, स्टोर मतलब फाइल बनाए थे हमने, ओके। ls कमांड क्या करेगा, ls कमांड ये करेगा कि आप जिस फोल्डर में, जिस डायरेक्टरी में अभी काम कर रहे हो, उस डायरेक्टरी में, उस फोल्डर में दूसरे कितनी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उसको वो यहाँ पे शो करेगा एक लिस्ट के अंदर, ओके। अब मुझे क्या करना है, ls कमांड से हमने देख लिया कितनी इतनी फाइल्स हमारे पास इस फोल्डर के अंदर है। अब मुझे इसमें से F1 और F2 को डिलीट करना है अगर, तो डिलीट मैं कैसे करूंगा फाइल, तो डिलीट करने के लिए आपको जो कमांड देना है वो है rm कमांड। कौन सा, rm, रिमूव करने के लिए rm कमांड। और rm कमांड देने के बाद आपको फाइल का नाम, जैसा कि फाइल 1 पहले डिलीट करेंगे हम लोग, उसके बाद दो फाइल एक साथ डिलीट करेंगे F1 और F2। तो पहले फाइल 1 को डिलीट करने के लिए rm दिया हमने, और यहाँ पे उस फाइल का नाम फाइल 1, ओके। कैश सेंसिटिव है यहाँ पे फाइल के नाम, यानी अगर यहाँ पे फाइल में F स्मॉल में हो तो यहाँ भी आपको स्मॉल में ही देना है, अगर यहाँ कैपिटल होगा तो आपको यहाँ पे कैपिटल ही देना पड़ेगा, क्योंकि लिनक्स के जितने कमांड है वो कैश सेंसिटिव। कैश सेंसिटिव मतलब क्या होता है, कि कैश सेंसिटिव मतलब जहाँ पे कैपिटल कैपिटल में ए लिखा हुआ है और स्मॉल में ए लिखा हुआ है, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग है वहाँ पे। कैश सेंसिटिव में ये होगा, अगर यहाँ फाइल का नाम में एफ कैपिटल में लिखा है आपने, और जबकि फाइल का नाम जो एक्चुअल फाइल है उसमें एफ स्मॉल में है, और यहाँ पे आप कैपिटल में एफ दोगे तो वो फाइल उसको मालूम ही नहीं पड़ेगी ऐसी फाइल को, ये वो शो करेगा इधर कि ऐसी कोई फाइल सिस्टम में नहीं है। फाइल में जो सिस्टम में जो फाइल है वो कौन सी है, स्मॉल में एफ लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे वही नाम देना है, ओके। अब मैं ये करूँगा यहाँ पे, तो आप देखो कमांड एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे राइट की क्लिक आ गई है और कमांड प्रॉम्प्ट वापस से आ गया है। दोबारा ls कमांड देखेंगे हम लोग, तब यहाँ पे फाइल 1 जो हम डिलीट किया ना वो अब यहाँ पे शो नहीं होगी, देख सकते हो आप। यहाँ पे फाइल 1 था, उसके नीचे इंट्रो था, ओके। अब इंट्रो के ऊपर कौन सी, F2 ही है ये, तो वो फाइल हमारी डिलीट हो गई है। अभी हमने सिंगल फाइल डिलीट किया, अगर आपको मल्टीपल फाइल्स एक साथ
डिलीट करनी है अगर, तो मुझे F1 F2 एक साथ डिलीट करनी है, तो मैं RM कमांड दूंगा स्पेस देने के बाद, वन बाय वन जितनी फाइल आपको डिलीट करनी है कि F1 स्पेस दे के F2, ऐसा आप जितनी फाइल डिलीट करना चाहो उतनी फाइल आप डिलीट कर सकते हो। एंटर मारेंगे हम लोग, कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। LS कमांड दोबारा देंगे यहाँ पे लिस्ट देखने के लिए। अब देख सकते हो आप यहाँ पे अबाउट गांधी जी वाली फाइल थी, उसके बाद F1 F2 था, ओके। तो अबाउट गांधी जी के बाद अब डायरेक्ट इंट्रो आ गई है। F1 और F2 नाम की जो दोनों फाइल्स थी वो फाइल्स क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, ओके। तो डिलीट करने के लिए RM कमांड का हमको यूज करना है। RM स्पेस देने के बाद उन फाइल्स का नाम, अगर सिंगल फाइल है तो सिंगल फाइल, अगर दो फाइल एक साथ करनी है तो दोनों फाइल के बीच में आपको स्पेस देनी है यहाँ पे, ओके। RM कमांड और कैट कमांड, कैट कमांड क्रिएट करने के लिए RM कमांड किस लिए, RM कमांड आपका जो फाइल है उसको डिलीट करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे जितने भी ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं ना, वो सब क्या है, डायरेक्टरी, वो सब फोल्डर्स है। फोल्डर्स आपको ब्लू कलर में दिखेंगे, फाइल्स आपको व्हाइट कलर में दिखेगी, ओके। अब आपको फाइल फाइल तो हमने डिलीट करना देख लिया कैसे करनी है। अगर आपको आपको जो फोल्डर्स है वो डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कमांड के साथ साथ अलग अलग उसको ऑप्शंस भी है कि RM कमांड के साथ मुझे -R -R का यूज करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टरी को मुझे डिलीट करना है तो जैसा कि सब वन नाम की डायरेक्टरी जो है हमारी, उसको मुझे डिलीट करना है, तो RM के साथ -R मतलब -R और स्पेस देने के बाद उस फोल्डर का, उस डायरेक्टरी का नाम, सॉरी सब वन, ओके। सब वन को डिलीट करना है, एंटर करेंगे यहाँ पे, कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। LS कमांड से दोबारा देखेंगे डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्क्रिप्ट 7 के बाद कौन सा था हमारा, सब्जेक्ट 1, सब 1। अब स्क्रिप्ट 7 के बाद सीधा सब्जेक्ट आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ है कि सब 1 नाम की जो फोल्डर था, जो डायरेक्टरी थी, वो हमारी डिलीट हो गई है, ओके। समझ में आ रहे हैं, RM के साथ -R का यूज करोगे तो वो फोल्डर को डिलीट करने के लिए, और RM के साथ सीधा फाइल को डिलीट करना है तो RM के साथ कोई ऑप्शन आपको देना नहीं है। RM जो है वो कमांड का नाम है, और उसके साथ हम माइनस करके जो R देंगे तो वो उसका एक ऑप्शन है। कमांड के साथ अलग अलग ऑप्शंस भी आपको दिखेंगे, अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो वैसे वैसे ऑप्शंस भी आते जाएंगे कमांड में, कौन से ऑप्शन आएंगे, ओके। तो RM के साथ -R का यूज किस लिए होगा, तो किसी डायरेक्टरी को मतलब फोल्डर को डिलीट करने के लिए, ओके। तो आज की वीडियो में हमने अभी तक क्या देखा है, यहाँ पे कैट कमांड का रिविजन किया, उसके बाद इको कमांड, उसके बाद मल्टीपल फाइल्स आपको क्रिएट करनी है अगर, तो एक फाइल के अंदर दूसरी दो फाइल का कंटेंट आपको लेके आना है, तो उसके लिए कैट कमांड, नई फाइल का नाम, उसके बाद दोनों फाइल का नाम, बीच में ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद फाइल को डिलीट करने के लिए RM कमांड, ओके। मल्टीपल फाइल्स डिलीट करनी है अगर आपको, तो आप वो उस तरह से मल्टीपल फाइल्स के लिए बीच में स्पेस दे के यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको फोल्डर डिलीट करना है, कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है अगर, तो आप सीधा RM के साथ -R आपको यूज करना पड़ेगा विकल्प ऑप्शन, और उसके बाद उस फोल्डर का नाम, उससे क्या होगा फोल्डर वो डिलीट हो जाएगा। और LS कमांड से क्या होगा, LS कमांड से अभी जितनी आपके सिस्टम में फाइल्स है, मतलब जिस जिस फोल्डर में अभी आप काम कर रहे हो, उस फोल्डर के अंदर दूसरे कितनी फाइल्स है और दूसरे कितने फोल्डर्स है, वो सब आपको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने व्हाइट कलर में है वो सब फाइल्स है, और जितने ब्लू कलर में है वो सब क्या है, वो सब अलग अलग फोल्डर है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो।